अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम टू माय चैनल डाइट जर्नी बाय मायरा। आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कुछ टिप्स, क्विक टिप्स और जो आपको याद रखने वाली हूँ जब आप वेट लॉस प्रोग्राम में आ गए हों। और आपको याद रखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो मैं बताऊँगी कुछ 10 रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं, मेरे पास जो मैंने लिस्ट बना ली है। नंबर वन यहाँ पर हमारे पास है कि एम्प्टी स्टमक आपको एक्सरसाइज करनी है। जब आप उठ गए हैं, फर्स्ट थिंग आप जो हैं एक्सरसाइज करें थोड़ी सी, 15-20 मिनट नहीं हो सकता, 10 मिनट्स इज इनफ। छोटी सी कोई भी घर पे एक्सरसाइज कर लें आप, जो आप घर पे कर सकते हो। अगर आपके पास स्पेस है तो वॉक कर लें, इससे आपकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी। और जो है साथ ही 2 ग्लास पानी आप एक साथ नहीं पी सकते, तो गैप से थोड़ा सा पी लें। ये नंबर वन रूल था। सेकेंड रूल पर हमारे पास आता है एक्सरसाइज के अलावा आती है मील्स के बारे में, कि आपको अपने मील्स स्किप नहीं करने हैं। डिनर करना है, लंच करना है और ब्रेकफास्ट करना है, ये तीनों चीज़ें प्रॉपर करनी है। अब होता क्या है कि जब आप मील स्किप कर देते हैं, कोई भी खाना छोड़ दें और भूखे रहने लगते हैं कि चलो भाई अब हम स्टार्ट कर देते हैं अपना वेट लॉस प्रोग्राम, कुछ भी नहीं खाए पिएंगे, 0 कैलोरीज रहेंगी, तो जल्दी ज़्यादा जल्दी वेट लॉस होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि आपकी बॉडी स्टार्वेशन मोड पे चली जाती है, बॉडी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। अब उससे आपको शुगर के भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक है, एक प्रॉब्लम तो ये हो गया। दूसरी बात आती है कि वेट आपका स्टक हो जाता है। अब वेट जब स्टक हो गया है तो फिर आपकी डाइटिशन भी कुछ नहीं कर पाती, फिर उन्हें भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि नहीं ये क्या कर लिया, वो क्या कर लिया, फिर आपको एक नया जर्नी स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसलिए आपको अपने मील स्किप नहीं करने। पहला बता दिया मैंने एक्सरसाइज, दूसरा हो गया आपके मील्स, ब्रेकफास्ट भी करें, लंच भी करें और डिनर भी करें। ज़्यादा नहीं खाया जाता तो थोड़ा थोड़ा आप खाएं, पर खाना ज़रूरी है। और अपने खाने में 5 फूड ग्रुप्स इंक्लूड करने हैं आपको, फ्रूट्स भी लेने हैं, वेजिटेबल्स भी लेने हैं, डेयरी भी लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन भी लेने, ठीक है। अब थर्ड हमारे पास आ जाता है कि अगर आप सारे ग्रुप एक साथ नहीं ले सकते तो डेयरी और फ्रूट आप अपने स्नैक टाइम में यूज़ कर लें। खाने के फौरन बाद जो है फ्रूट ना लें, थोड़ा सा 15 मिनट से 10 मिनट्स का ब्रेक लेकर ले लें, या थोड़ा सा फ्रूट पोर्शन लें, ठीक है। फूड नहीं, मैं फ्रूट पोर्शन की बात कर रही हूँ, जब आप खाने के साथ ले रहे होंगे, सही। स्नैक टाइम में जो है आप अपना डेयरी और फ्रूट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर बीच में भूख लगे और स्मॉल पोर्शन ले रहे हैं आप, तो जो है डेयरी यानी कि दही हो गई या कोई भी फ्रूट हो गया, वो आप अपने स्नैक टाइम में ले लें। तो इस तरह आप पूरे दिन भूखे नहीं रहेंगे, भूख बर्दाश्त नहीं कर रहे होंगे और खाना भी खा सकते हैं, सही। ये आपका हो गया नंबर 3। अब नंबर 4 आपका है कि आपको हाइड्रेट रखना है अपनी बॉडी को। आप क्या करेंगे, अब आपको 8 ग्लासेस ऑफ वाटर लेने हैं पर डे। तो आप काउंट करें कि 8 ग्लास ऑफ वाटर आपके कंप्लीट होने चाहिए, इससे बॉडी हाइड्रेट रहेगी, एक्टिव रहेगी, आपको जो डिहाइड्रेशन नहीं होगी, तो आप जो हैं रिलैक्स्ड रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्यास लग रही होती है लेकिन आप समझते हैं कि नहीं, शायद हमें भूख लग रही है, उसकी जगह खाना खा लेते हैं, तो कैलोरीज आपके इस तरह बढ़ जाती हैं। तो आपको अपने पानी का भी ख्याल रखना है कि पानी जो है काउंट करके पिएं, कि कितने ग्लास पी लिए हैं, कितने पीने चाहिए, इसको काउंट करें, इसका भी टाइम टेबल बनाएं, हर चीज़ लिखें, जो खा रहे हैं वो भी लिखें, पानी पी रहे हैं तो वो भी लिखें। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी रूटीन में क्या खाना चल रहा है, क्या मिस हो रहा है, फ्रूट मिस हो रहा है या डेयरी मिस हो रहा है, या आपका जो है पानी जो है वाटर इनटेक कम ही हो रही है। ये हो गया हमारे पास 4 रूल्स, एक्सरसाइज, मील स्किप नहीं करना, वाटर लेना है टाइम से और स्नैक में कुछ ना कुछ रखना है ताकि आपको भूख ना लगे। उसके बाद आ जाते हैं हम नंबर 5 पर। नंबर 5 पर आपको क्या करना है कि न्यूट्रासिटिकल ड्रिंक्स आप ऐड कर सकते हैं, या तो फिर डिटॉक्स ड्रिंक्स हम कहेंगे कि वो ऐड कर सकते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, मिंट लेमनेड हो गया, या तो फिर जो है आप लींबू पानी ले सकते हैं, जिंजर टी ले सकते हैं, ग्रीन टी भी ले सकते हैं, सही। ये 5th पॉइंट हमारा हो गया, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखेगा और फैट को जो है बॉडी में नहीं स्टोर होने देगा। अब हमारे पास हम चलते हैं 6th नंबर पे। खाना जल्दी जल्दी नहीं खाना है, खाना स्लो स्लो खाना है, ठीक है। ये टाइम ड्यूरेशन है आपके खाने का, स्लो स्लो खाएंगे आप तो जो है पेट भी भर जाएगा, जल्दी दिखाएंगे तो मतलब च्यू करना है, माउथ में आपका काम च्यू करने का होता है, बाकी काम स्टमक में होता है, बस थोड़ा बहुत च्यू किया और लोग खा लेते हैं फ़ौरन से। इससे जो है बॉडी सही से फूड जो है सही से ब्रेक डाउन भी नहीं होता है, तो दूसरी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 7th पॉइंट पे।
सेवन्थ पॉइंट पे ये है कि खाना आपको होममेड फूड ही यूज़ करना है, क्योंकि जब बाहर का खाना खाते हैं तो आपको नहीं पता कि उसमें कौन सा फैट यूज़ हो रहा है, उसे ऑयलिंग के लिए या मैरिनेशन के लिए क्या चीज़ें ऐड की जा रही हैं, आपके लिए वो ठीक है या नहीं। तो जब आपने एक जर्नी स्टार्ट किया है, वेट लॉस पे हैं या वेट गेन पर हैं, तो आप कोशिश करें होममेड फूड ही लें, वो हेल्दी होता है। उसमें आपको पता होता है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें डाली हैं या क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ की गई होंगी। अब लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यार हमने तो वहाँ के कबाब ले लिए थे और वो जो हैं बहुत अच्छे हैं वेट लॉस के लिए, हम तो वही खा रहे हैं, हम नगेट्स खा रहे हैं। तो नगेट्स में क्या क्या चीज़ें हैं बाहर आपको नहीं पता, घर में आप क्या यूज़ करें, खुद बनाए नगेट्स खुद खा लें, ठीक है, बाहर का खाना नहीं खाना है। उसके बाद चलते हैं हम अपने सेवन्थ पॉइंट पे, सेवन्थ हो गया सॉरी, अब हम चलते हैं एट पे। खाने के साथ आपको पानी नहीं पीना है, खाना खाते फ़ौरन पानी नहीं पीते, ठीक है, इसका जो है रिएक्शन आपके पास उल्टा होने लगता है। तो खाने के बाद पानी पिए, क्योंकि होता क्या है जब आप खाना खा रहे हैं और पानी ले रहे हैं तो आपकी स्टमक की शेप है वो चेंज हो रही होती है, तो आपको वो बैलेंस रखना है। अब सब कुछ पानी जो है आधे घंटे बाद ले सकते हैं या एक घंटे बाद में, खाने के फ़ौरन बाद पानी ना लें। और ठंडे पानी का तो इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, नीम गर्म पानी लेंगे सर्दियों में ले सकते हैं नीम गर्म, गर्मियों में गर्म कुछ ज़्यादा ही लग रहा होता है तो आप रूम टेम्परेचर पर रख लें पानी, वो पानी आप लें, ठीक है। उसके बाद जो है आप हमारे पास क्या आता है, अच्छा जी, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट आपको जो है बिल्कुल बादशाहों के रहते हैं ना ब्रेकफास्ट, नाश्ता आपको बादशाह की तरह करें, तो आपको इसी तरह करना है, ब्रेकफास्ट पूरी अच्छी तरह से लेना है, ठीक है, कि उसमें आपके पास कार्ब्स भी हैं, मतलब ब्रेड रोटी या बन, प्रोटीन भी हो अंडा बोटी या दाल, और फ्रूट आ रहा हो कोई थोड़ी देर बाद ले लें, डेयरी आ रहा हो थोड़ी देर बाद ले लें, और जो है क्या बचा आप हमारे पास, वेजी वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं, वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी, वेजी ज़रूर लें। कुछ हमारे पास ज़ीरो कैलोरीज होती हैं, कुछ लेस कैलोरिक होती हैं, और हमारे पास जो है क्या कहते हैं वेजिटेबल्स, सो सॉरी, वेजिटेबल्स में हमारे पास जो है फैट भी कम होता है। ऑलराइट, कुछ मिस हो गया, मैं 10 पॉइंट्स दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एक्सरसाइज करनी है, मील्स स्किप नहीं करना है, मिल्क एंड फ्रूट्स आप स्नैक्स में ले सकते हैं अगर आपको एक साथ नहीं खाया जा रहा बहुत ज़्यादा। अपना वाटर इनटेक सही रखनी है, बॉडी हाइड्रेट रखनी है, 8 ग्लास ऑफ वाटर लेना है, न्यूट्रासिटिकल ड्रिंक्स यानी डिटॉक्स वाटर्स भी ले सकते, डिटॉक्स वाटर भी ले सकते हैं आप, ठीक है। खाना जल्दी जल्दी नहीं खाना है, होममेड फूड ही यूज़ करना है, बाहर का ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। उसके साथ आते हैं हम, खाने के साथ पानी नहीं पीना है, खाने के बाद पिए या खाने से पहले पानी पी सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारे पास आधे घंटे बाद या एक घंटे पहले आप पानी ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट आपको बहुत बादशाहों की तरह करना है। और दूसरी चीज़ ये कि आप जो है खाने के फ़ौरन बाद या एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद खाना ये नहीं करना है, या तो एक दो घंटे पहले एक्सरसाइज कर लें या तो जो है खाने के एक दो घंटे बाद एक्सरसाइज करें। क्योंकि अब क्या होता है कि जब आपने एक्सरसाइज कर ली उसके बाद आपकी बॉडी एक ऑलरेडी फंक्शन मतलब परफॉर्म कर रही है, ठीक है, आपके फैट को वो जो है ब्रेक डाउन कर रही है, स्वेट में वो चेंज हो रहा है और पास आउट हो रहा है, ठीक। तो अब क्या होता है उसके बाद जो है खाना खा रहे हैं आप तो खाना वो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं, या तो खाना खाएं या एक्सरसाइज करें और बीच में थोड़ा ब्रेक दें, उसके बाद दूसरा काम करना है आपको। ऑलराइट, उम्मीद है आपको मेरे 10 रूल समझ में आए होंगे, वेट लॉस प्रोग्राम आपका ईजी हो जाएगा, ये टिप्स आप ज़रूर फॉलो करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।